हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम देखेंगे मसालेदार चिकन बिरयानी, बहुत ही टेस्टी। और ये एक हमारे व्यूवर्स डेनिस करके थी, उनकी रिक्वेस्ट थी, बट थोड़ा लेट अपलोड किया मैंने। ये हमने 750 ग्राम चिकन ले लिया है। ये हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे चॉप्ड कर लिया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, उसे भी बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। लहसुन और अदरक मिलाकर 50 ग्राम लिया है हमने, जिसे कट कर लिया है अदरक को। 1 कप हरा धनिया लिया है, 5 हरी मिर्च ली है। इन सब का मिलाकर हम पेस्ट बना लेंगे। और 8 से 10 कड़ी पत्ता लीव्स। ये मैंने 4 पोटैटो लिए हैं जिसे 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। आधा कप से ज़्यादा मैंने दही ली है। आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर और नमक एज पर टेस्ट। 1 टेबलस्पून शाही बिरयानी मसाला यूज़ करेंगे। आधा टेबलस्पून मैंने शाही ज़ीरा लिया है। 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 4 दालचीनी के टुकड़े, 12 से 15 काली मिर्च, 7 से 8 लौंग, 2 स्टार फूल और 3 तेज़पत्ता। ये मैंने 750 ग्राम बासमती राइस लिया है। ये गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे, जिसमें मैंने आधा कप हरा धनिया कटा हुआ और आधा कप पुदीना लिया है। ग्रीन फूड कलर 1 पिंच यूज़ करेंगे और ऑरेंज फूड कलर 1 पिंच यूज़ करेंगे। अब हम एक पैन या तपेली को गरम कर लेंगे और उसमें 4 बड़े चम्मच तेल ऐड कर लेंगे। तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। अब हम उसमें कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। स्टर कर लेंगे और प्याज को हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, मैंने प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई कर लिया है। अब इसमें से थोड़ी सी क्वांटिटी हम गार्निशिंग के लिए यूज़ कर लेंगे। देखिए, मैं एक प्लेट में निकाल रही हूँ गार्निशिंग के लिए थोड़ी सी क्वांटिटी प्याज की। अब इसी प्याज में हम चिकन के पीस ऐड कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह से भून लेंगे। देखिए, हमने इसे 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें खड़े गरम मसाले ऐड कर लेंगे। जो खड़े गरम मसाले मैंने आपको बताए थे, उसमें आधी क्वांटिटी हम मसाले में यूज़ करेंगे और आधी क्वांटिटी हम चावलों में यूज़ करेंगे। देखिए, मैंने आधी क्वांटिटी के मसाले इसमें ऐड कर लिए हैं। इसे हम मिक्स कर लेंगे ताकि तेल में इसका फ्लेवर रिलीज़ हो जाए। और आधी क्वांटिटी हमने ये चावलों के लिए रख ली है। अब हम इसमें जो हमने हरा धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, वो ऐड कर लेंगे। पाउडर मसाले ऐड कर लेंगे, नमक ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हम 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाए। देखिए, हमने इसे 1.5 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे, कड़ी पत्ता ऐड कर लेंगे, कटे हुए टमाटर ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
और हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे और तेल छूटने तक हम इसे इसी तरह से भून लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से पक जाए और टमाटर टेंडर भी हो जाएंगे। ये देखिए हमने ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और भून लेना है। अब हम इसमें अच्छी तरह से बीट की हुई दही ऐड कर लेंगे। दही ऐड करने से उसे पहले बीट कर ले और मिक्स कर लेंगे। दही से भी पानी रिलीज होता है तो हम इसे अब तेल छूटने तक भुनना है हमने। अब हम दूसरे गैस पे चावल में दुगना पानी ऐड कर लेंगे और उसे रख देंगे गैस पर और उसमें तमाम सभी गरम मसाले ऐड कर लेंगे। नमक ऐड कर लेंगे और 1 टेबल स्पून के करीब तेल ऐड कर लेंगे। तेल ऐड करने से जो हमारे चावल है वो खिले खिले बनेंगे और मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। हमने चावलों को 70% तक कुक कर लेना है और ये देखिए हमारी दही भी अच्छी तरह से भून चुकी है और ये तेल छूटने लगा है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून शाही बिरयानी मसाला ऐड कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर लगभग 2 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। ये देखिए हमने इसे पका लिया है। अब ये हमारा मसाला पूरी तरह से रेडी हो चुका है और ये हमारे चावल भी देखिए 70 से 80% तक कुक हो चुके हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसका पानी जो है वो निकाल लिया है और हमारे चावल तैयार है। अब हम इस मसाले पे सुनहरी प्याज ऐड कर लेंगे। ये मसाला देखिए हमने अच्छी तरह से भून लिया है और मसालेदार बिरयानी बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। इस पे हम सुनहरी प्याज ऐड कर लेंगे, हरा धनिया ऐड कर लेंगे पुदीना ऐड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर चावल की लेयर ऐड कर लेंगे। सारे चावल हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर। देखिए हमने सारे चावल ऐड कर लिए हैं। अब हम इस पे सुनहरी प्याज डाल लेंगे। हरा धनिया डालेंगे पुदीना और 1 टेबल स्पून हम इसमें देसी घी ऐड कर लेंगे। ये 1 पिंच फूड कलर को हमने 1 टेबल स्पून पानी में भिगो के रखा था, ये हम ग्रीन फूड कलर है उसे हम ऐड कर लेंगे।
उसी तरह से हमने ऑरेंज फूड कलर, एक पिंच फूड कलर लेके उसे 1 टेबलस्पून पानी में भिगो के रखा था, और ये भी ऐड कर लेंगे। अब हैवी बॉटम तवा है जिसे हमने फुल हाई फ्लेम पे गरम कर लिया है। अब हम उसके ऊपर बिरयानी को रख देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर लेंगे। हमने तवे को अच्छे से गरम कर लिया है। लो करने के बाद हम इसे ऐसा ढक लेंगे, और कुछ भी आप हैवी चीज़ से इसे ढक लें ताकि जो भाप है वो बाहर ना निकले और हमारी दम अच्छी तरह से हो जाए। अब हम इसे 10 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। ये देखिए, हमने 10 मिनट तक लो फ्लेम पर इसे पका लिया है और हमारी बिरयानी पककर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी। मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर, ये देखिए खिले खिले हमारे चावल है, कलर भी पूरा अंदर तक चला गया है, और ये मसाला हमारा रेडी है। आप इसे इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर लेंगे, और आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।